नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, UP SSC UPSC की तैयारी तो लगातार मैं आपको करवा ही रहा हूँ, बट UP SSC के अलावा DRDO के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो आपका MTS 2020 का जो पेपर होना है उसके बारे में तो बताऊंगा, साथ ही साथ पूरा का पूरा एक फुल टेस्ट करवाने वाला हूं, जो आपका 100 प्रश्न है आते हैं, जो 100 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन गणित के, और आपके 30 क्वेश्चन GK GS से, जनरल अवेयरनेस से, वो सारे के सारे यहाँ पर करवाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग टाइम डिसाइड कर लीजिएगा कि किस टाइम आपकी जो ये क्लास है चलाई जाए DRDO वाली। इसके अलावा लेखपाल की, UP PCS की तैयारी तो आपको लगातार देखने को मिली रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आपके लिए होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, रीजनिंग पहला आपका जो है रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपक जो है राजू का परिचय कराते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पिता की पोती को पोती की पति है, पोती का पति है। समझिएगा क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन का है, सिंपल सा भाई। देखिए, दीपक राजू का परिचय कराते हुए कहता है कि वह, यानी कि राजू जो है ध्यान देखिएगा, मेरे पिता। अब दीपक राजू का परिचय कराते हुए कह रहा है, तो मेरा पिता मतलब क्या हो जाएगा, दीपक का पिता, यानी कि हम लोग यहाँ पर दीपक को रख देते हैं, तो दीपक ये हो गया, दीपक के पिता हो गए। और उसके बाद क्या कह रहा, पिता के पिता, यानी कि दीपक के पिता के पिता क्या हो गए, दीपक के दादा हो गए, की पोती की पति, यानी कि पिता की पोती की पति, यानी कि इसकी जो पोती होगी, इनकी जो पोती होगी, दीपक की सिस्टर हो सकती है, दीपक की जो सिस्टर होगी उनके क्या है, पति हैं, यानी कि यहाँ पर इसके दीपक की बहन बना देते हैं। और ये क्या हो गए भाई, किसके हो गए, राजू के जो हैं, क्या हो गए भाई, आपके बहन के क्या हो गए, आपके पति पत्नी हो गए। तो राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित है बताइए, दीपक जो है इसका भाई है, इसकी और बहन के पति राजू हैं, तो दीपक और राजू का क्या संबंध होगा, आराम से आप लगा सकते हो कि भाई बहन का जो पति होता है क्या होता है, जीजा या साला होता है, तो यहाँ पर जीजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्रृंखला में वर्णों का अगला सेट क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है, तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, तो ए बी सी के बाद क्या आता है आपका डी, और डी का अपोजिट क्या होता है आपका डब्लू, ये तो पता है ना सर, अपोजिट किसको बोलते हैं, अपोजिट यानी कि दोनों का योग जो है 27 होना चाहिए, जैसे इसका 1 है इसका 26 है, 26 से 27, 25 2 27, और इसके अलावा यहाँ पर 24 3 27, इसी तरह यहाँ पर 4 और 23, 23 और 4 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करना है, 77 14 है, 79 16 है, 81 9 है, ध्यान से सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन में करना क्या भाई, 77 14 है, देखिए ध्यान से 77 14 है, उसके बाद आपका क्या है भाई, आपका 7916 है, उसके बाद आपका क्या है 8109 है। अब यहाँ पर देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, इनमें देखो कितने का डिफरेंस है, 395, यानी कि इसमें प्लस 395 करेंगे तो आपका 8109 आ जाएगा। तो क्या 79 से 16 में अगर हम लोग 395 ऐड करते हैं तो कोई नंबर क्या देखिए ऑप्शन से आ रहा है, तो ऐड करके देखो 6 और 5 11, इसके अलावा 9 10 1 11, इसके बाद सॉरी 1 और 9 10 11, और 9 3 12 1 13, और 7 1 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो 83 से 11 ऑप्शन में आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए लॉजिक लगाना जो है आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि आप कौन सा लॉजिक वहाँ पर लगा रहे हो। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्रम बैठाने वाला यहाँ पर आता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर देखिए ए सी है, फिर जी है, ए है, फिर ई है, जी है, फिर सी है, ई है, तो यहाँ पर कैसे बिठाएंगे, एक काम करते हैं पहले गिन लेते हैं कितने नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 4 4 में तोड़ देते हैं, चलिए 4 3 12 होता है ना, 4 में 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद फिर 1 2 3 4 हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 हो गया ना, तो देखिए पहले क्या है ए सी, फिर जी है, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा, अब यहाँ पर ई बच रहा है तो यहाँ पर ई आ जाएगा, तो ए सी ई जी, ए सी ई जी, उसके अलावा यहाँ पर भी ए, फिर सी, फिर ई, फिर जी आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा भाई, पहले नंबर पर क्या है आपका ई आया है, फिर सी आया है, फिर ए आया है, फिर आपका जी आया है, तो ई सी ए जी किसी में आ रहा है ना, सिंपल सा भाई क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आप सभी को पता भाई 10th लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर, हाई स्कूल पास है तो 10th लेवल क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो होगा वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है
कि उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति को चुनना है। अब ध्यान से देखो भाई, ये जिसका जैसे इसका संबंध इस वाली आकृति से दिया गया, उसी तरह इसका संबंध किस आकृति से हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले छोटे वाले को लिख दो। छोटा वाला गोला आपका इस तरह से था, तो छोटा वाला गोला देखा जाए तो एक 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है, ठीक है ना। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, यानी कि ये तीर यहाँ था, ये तीर यहाँ पे पहुँच गया। इसी तरह अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये तीर, अगर ये ऊपर की ओर है तो तीर आपका यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तीर किस में पहुँच रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही पहुँच रहा है। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, यहाँ से अगर 90 डिग्री घुमाएं तो इधर किस में आ रहा है सर आपका? इधर ही तो आ रहा, 3 वाले ऑप्शन में ही आ रहा ना। तो कुछ आए बाए कुछ भी नहीं देखना आपको, सिर्फ 3 वाला जो ऑप्शन है आपको टिक कर देना है। आगे मिलाओगे तो आगे भी आपका मिल जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया ना? सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे, यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो सेम वैसा क्वेश्चन है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ होमवर्क, आप लोग इसका जवाब जो है कॉमेंट करके दीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या कह रहा है, 2 3। अब ध्यान से देखिएगा, दी गई श्रृंखला में अगला समूह क्या होगा? 2 3, फिर 3 5, फिर 5 7, फिर 7। देखो 2 3 है, फिर 3 2 5 है, 5 2 7 है, 7 4 गया। देखा देखा जाए तो यहाँ पर 2 + 1 था, 3 + 2 था, अब यहाँ पर 5 + 2 हुआ है। तो एक चीज़ समझिएगा, पहले 1 + 2 ऐसे हुआ तो यहाँ पर ये वाला तो नहीं बन रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको हम लीव कर देते हैं, ये वाला लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लगेगा, बट दूसरा लॉजिक लगाते हैं, देखिए क्या लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पर, एक मिनट इसको पहले इरेज कर दें, जैसे यहाँ पर 2 3 3 5 5 7 7 11 ग्यारह तेरह, तो पहला नंबर तो आपका 13 होगा, ये तो क्लियर है। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन तो आपका कट गया, यानी कि 13 15 हो सकता है, 13 17 हो सकता है, 13 19 हो सकता है। ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या है भाई, पहले देखा जाए तो 2 3 था, फिर क्या हुआ आपका? 3 5 हुआ है। देखा जाए तो क्या हुआ? 3 5 हुआ, 3 5 7 11। इसको देखो भाई, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 7 4 11, 11 फिर 2 13 हुआ है। यानी कि पहले आपका देखा जाए तो +2, फिर से +2, फिर +4, फिर से देखा जाए तो +2 हुआ है। तो हमारे हिसाब से तो अगला भी +2 ही रखेंगे, ठीक है सर? +2 +2 +4 +2 +2, फिर आगे अगर होता तो +4 हम लोग रखते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इस हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं सर, 13 और 2 कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हैं, ठीक है सर? तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। या और कोई लॉजिक यहाँ पर लग रहा है? देखिए कभी कभी हम लोग को बहुत सारे लॉजिक यहाँ पर देखने पड़ते हैं, और कोई लॉजिक अगर लग रहा है तो उसको भी एक बार हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो यहाँ पर एक लॉजिक ये भी लग सकता है, ध्यान से देखिए कि ये लॉजिक ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि 3 आपका अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, और 13 भी अभाज्य है। तो अगला नंबर भी अभाज्य आना चाहिए, तो 13 के बाद जो अभाज्य आता है क्या होता है? 17 होता है। तो ये लॉजिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर 13 और क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए, ठीक है। अब समझ में आया ना 13 17 किस लॉजिक से? तो आपको 100% जो आपको लगे ये हो सकता है, उस हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया ना, ऑप्शन नंबर 3 पर हमने क्यों टिक किया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में माइनस से भाग का अभिप्राय हो। अब यानी कि माइनस का मतलब भाग हो, प्लस का मतलब गुणा हो, भाग का मतलब घटाव हो, तो आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है समीकरणों में से कौन सा सही है। तो भाई आप सभी को पता है यार, चारों ऑप्शन आपको करके देखना पड़ता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, पहले ऑप्शन से आ रहा है तो आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो आपको चार ऑप्शन चेक ही करने पड़ते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 6, अब भाग का मतलब क्या है? माइनस, -20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुणा का मतलब, तो +12, और यहाँ पर प्लस है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणे क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -1 दिया गया है, तो -1 का मतलब भाग 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले भैया 6 - 20 + 12 = 84, 84 भाग 1 करोगे तो 84 आएगा, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। तो भाई इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? 6 में से 20 घटाओ, या 6 माइनस कर दो भाई, 84 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका? 64 आ जाएगा, 64, और सॉरी +64 आएगा, और 64 और 6 मिलकर कितना होता है? 70 होता है। तो देखा जाए तो पहले वाले ऑप्शन से ही आपका देखिए काम कर जा रहा है, पहले ऑप्शन से ही आपका 70 जो है काम कर जा रहा है। तो आपकी किस्मत अच्छी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। अगर भाई अगर आपका ये 70 नहीं आता, कुछ और आता, तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते, फिर जो आपका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही बैठता आप उसको टिक कर सकते थे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 0 - 1 - 2, 1 0 - 1, 2 क्वेश्चन मार्क। 0 तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर,
क्या आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करना किया गया है। जीरो के बाद माइनस एक आया है, फिर माइनस दो हुआ यानी कि माइनस एक माइनस दो, फिर एक के बाद जीरो हुआ यानी कि इसमें देखा जाए तो माइनस एक हुआ है, फिर से यहाँ पर भी माइनस हो एक हो गया है, यहाँ पर भी देखा जाए तो माइनस एक हुआ है। भाई एक में से माइनस एक करो जीरो आएगा, जीरो में से भी माइनस एक कर दो कितना आ जाएगा, माइनस एक आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी लगाएंगे, दो में से एक घटाओ कितना आएगा सर आपका, एक आएगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सर आपका, एक आएगा, और एक में से एक घटा दो फिर से जीरो आ जाएगा। यानी कि सिंपल सा फंडा है आपका, ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात आप सभी को नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यदि रोज को टी क्यू यू जी की तरह लिखा जाता है तो उसी कूट लिपि में बिस्कुट को किस प्रकार लिखेंगे? क्वेश्चन को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा भैया, यहाँ पर आर ओ एस ई है ना, तो आर का कोड कितना होता है सर आपका 17, टी का कोड होता है टी का 20 होता है, सॉरी आर का कोड 18 होता है, टी का 20 होता है, यानी कि प्लस 2 हुआ है। आर एस टी ओ पी क्यू एस टी यू ई एफ जी, यानी कि सब में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हुआ है, वही हम लोग बिस्किट में भी कर देंगे। बी आई एस, यानी कि बी का मतलब क्या होगा, बी सी डी, आई का मतलब आई एफ आई जे के होता है, फिर एस टी यू सी के बाद क्या आएगा, सी डी ई आएगा, तो भैया डी के यू ई किसमें किसमें है भैया, ऑप्शन नंबर 3 में है और 4 में है, तो ये ऑप्शन तो भैया आपका अपने आप कट हो जाएगा। अगला भी मिला दो भाई, सी डी ई हो गया, यू भी डब्ल्यू आई, फिर आपका आई जे के हो जाएगा, फिर लास्ट में वाई आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सॉरी लास्ट में भी आ जाएगा, टी यू भी आ जाएगा, माफ कीजिएगा टी यू भी, तो ये नहीं, ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर कैसे करेक्ट होगा? थोड़ा अगर मैं जल्दी कर रहा हूँ तो यार आप लोग माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे करता हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, पूरा हल प्रश्न पत्र करवा रहा हूँ, अगर जब मैं क्लासेस चलाऊंगा इसकी आपको टॉपिक वाइज हर चीज़ कवर करवाऊंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि आपको हर चीज़ बेसिक से बताई जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आपको अभी यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अक्षरों ए के बी एल यू को पुनर्व्यवस्थित करने पर किस देश की राजधानी का नाम मिलेगा? ए के, अब देखो ए के बी एल यू यानी कि काबुल बन रहा है ना, काबुल किसकी राजधानी भाई, सबको पता भाई काबुल जो है, ये थोड़ा सा ज्ञान तो आपको होना जरूरी है ना, अफगानिस्तान की राजधानी है ना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, तो नीचे लिंक दिया गया, वहां पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए अंग्रेजी शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा जो पहले आता है उसे चुनना है। अब देखिए एक्यूमुलेट है, ए सी टी यू ए टी ई है, तो यहाँ पर पहले कौन सा आएगा, तो पहले यहाँ पर देखा जाए तो ए डबल सी सम ए डबल सी है, ए डबल सी है, इन दोनों में है, तो या तो ये पहले आएगा या तो ये पहले आएगा। अभी इन दोनों को तो भैया छोड़ ही दो, क्योंकि ए सी के बाद टी आ रहा है, एच आ रहा है, तो टी एच तो बाद ही में आएंगे। अब ए डबल सी के बाद यहाँ पर यू आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो पहले ओ आता है ना, तो अगर वर्णमाला में पहले ओ आता है तो ये अक्षर भी जो है पहले आएगा, अकाउंट अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्थान पर कौन आ जाएगा सर आपका, अकाउंट आ जाएगा, दूसरे स्थान पर ये आता, तीसरे पर निकाल लेते, चौथे पर भी निकाल ले जाओगे, आपके लिए आसान है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कश्मीर को अगर इस 814-27-53 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रिम सैक को क्या लिखा जाएगा? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, जैसे के का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, 8 दिया गया है, वैसे यहाँ पर आर का मतलब क्या दिया गया, 3 दिया गया, तो आर का मतलब यहाँ से 3 निकाल लेंगे। आई का मतलब देखो यहाँ से निकालो, आई का मतलब ये है आर आई एम है ना, तो यहाँ पर देखो आर आई एम यानी कि इसी को उल्टा करके ले दो, 3 5 7, 3 5 और क्या हो गया, 7 हो गया, एस एच ए के यानी कि यस यच, ये एस एच है, तो यहाँ पर क्या है एस एच वाला, ये वाला हो जाएगा 4 2, यानी कि फिर 4 और 2 आ जाएगा, तो 3 5 7 4 2, उसके बाद ए के यानी कि ये ए के ये है, तो यहाँ पर 1 8 हो जाएगा, तो लास्ट में 1 8 हो गया, तो 3 5 7 4 2 1 8, ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट वाला है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंपल था ना सर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम की औसत आयु जो है 27 वर्ष है, इसमें से 24 तथा 27 वर्ष वाले दो खिलाड़ियों के स्थान पर 23 तथा 28 वर्ष वाले दो नए खिलाड़ी आ गए, तो अब टीम की औसत आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, टीम की जो औसत आयु थी कितनी थी भाई, 27 साल थी। ठीक है, अब जो जाने वाले व्यक्ति थे वो कितने कितने थे भाई, 24 प्लस 27 के गए, यानी कि दोनों जोड़ लो तो 51 के टोटल आपके चले गए, और आए कितने के भाई, 23 प्लस 28 के आए हैं, तो 23 और 28 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 3 11, यानी कि 51 के गए और 51 के ही वापस आ गए, यानी कि परिवर्तन कितना होगा,
जीरो। भैया जब जितना गया उतना आ गया, तो परिवर्तन कितना होगा? जीरो, यानी कि अभी भी टीम की औसत आयु कितनी रहेगी? 27 ही रहेगी। समझ में आ गया ना? इतना बड़ा क्वेश्चन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया चार मित्र हैं, ध्यान से देखना भाई, चार मित्र हैं आपके, और चारों मित्र क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक धनराशि में धन जमा करते हैं, एक धनराशि में क्या करते हैं भाई, धन जमा करते हैं। सी द्वारा जमा राशि से दोगुनी ए जमा करता है, बी द्वारा जमा राशि से ए जो है ए की जमा राशि से बी द्वारा जमा राशि जो है ए की जमा राशि से आधी है, और डी द्वारा जमा राशि बी की आधी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। ए बी सी डी, बस इतना लिख लिया आपने ना। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से कैसे भाई, देखो क्या कह रहा है। सी द्वारा जमा राशि राशि से दुगनी ए जमा करता है, यानी सी को मान लेते हैं भाई एक, तो ए उसका दुगना जमा करेगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी द्वारा जमा राशि ए की जमा राशि से आधी है, यानी कि ए की आधी बी की भी कितनी हो गई? एक हो गई। ए का आधा तो एक ही होगा ना। इसी तरह डी द्वारा जमा राशि बी की जो है आधी है। अब बी का भी आधा क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो किन दो ने एक समान राशि जमा की है? तो सिंपल सा भाई दिख रहा है ना, किसने किसने एक समान राशि जमा की है? बी और सी ने। देखिए रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? देखिए क्वेश्चन को समझ में आ गया ना क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अनिल जो है किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, तो उसे पता चलता है कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया, यानी कि शुक्रवार को पहुंचा तो नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया, यानी कि एक्चुअल में उसको कब पहुंचना था? सोमवार को पहुंचना था। अगर सोमवार को पहुंचना था तभी भाई 3 दिन पहले तो यही होगा, शुक्रवार ही तो होगा ना। सोमवार का मतलब क्या हो गया? बीच में रविवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है, यानी कि तीन उसको सोमवार को पहुंचना था, वो शुक्रवार को आ गया। तो फिर क्या रहा है, यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? अगले रविवार को ना, तो यानी सोमवार को उसको आना था लेकिन वो रविवार को पहुंच रहा है, तो रविवार को पहुंच रहा है, अगले रविवार की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये रविवार यहाँ पे तो आएगा ना, तो ये रविवार जो है 1 दिन क्या हो रहा है? पहले पहुंच रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 दिन पहले हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला रविवार का मतलब क्या हो गया? शुक्रवार के बाद जो रविवार आएगा वही तो अगला रविवार हो गया ना, तो सोमवार को पहुंचना था, रविवार को पहुंच गया, तो 1 दिन पहले यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमर एक मारुति वैन द्वारा और एंथोनी एक रेसिंग कार द्वारा मुंबई से पुणे आते हैं। मारुति वैन की रफ्तार 120 और रेसिंग कार की रफ्तार जो है 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच कितनी दूरी का अंतर हो जाएगा? देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा भाई। अमर एक मारुति वैन और एंथोनी एक रेसिंग कार द्वारा मुंबई से पुणे आते हैं, मुंबई और पुणे आते हैं, ठीक है। अब मुंबई वैन, अब यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को, अमर एक मारुति वैन द्वारा और एंथोनी एक रेसिंग कार द्वारा मुंबई से पुणे आते हैं। मारुति वैन की जो रफ्तार है 120 है, ठीक है, 120 की रफ्तार से क्या चल रहा है भाई? मारुति वैन चल रहा है, ठीक है, मारुति वैन चल रहा है। और रेसिंग कार की जो रफ्तार है कितनी है? 210 की रफ्तार से कौन है? रेसिंग कार चल रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 12 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच कितनी दूरी का अंतर हो जाएगा? तो भाई इसकी रफ्तार कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। मारुति की रफ्तार कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 120 गुड़े 12। अब 12 मिनट है, तो पहले बात तो 12 मिनट को घंटे में बदल लो, तो 12/60 हो जाएगा। तो 12 × 5 = 60, तो 5 से काटो, 5 × 2 = 10, और 5 × 2 = 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 × 20, यानी कि 12 मिनट में ये जो है आपका 24 चलेगा। इसी तरह 210 वाला 12 मिनट कितना चलेगा? 210 × 12 क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। तो 12 × 5 = 60, 5 से काटो सर, 5 × 20, 5 × 2 = 10, यानी कि ये कितना चला आपका? 42 चल जाएगा। तो बताओ सर दोनों के बीच में कितना अंतर है? ये 24 चला है, ये 42 चला है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही तो अंतर होगा। तो 12 में से 4 गया 8, यानी कि 18 किलोमीटर का जो डिफरेंस है आ जाएगा। सिंपल सा यार मैथमेटिक लगाना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाई ओर से 10वां है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है अपने स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाई ओर से 15वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है? अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्या करना भाई, मुझे पता है लड़कों की एक पंक्ति है जो ए है
वो किस ओर से भाई, बाई ओर से कौन से स्थान पे है, बाई ओर से 10वें प्लेस पर है। बी जो है दाहिनी ओर से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। और अगर अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए जो है बाई ओर से, जो ए जो है, अगर ये ए इस यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर अगर ए आ जाता है, यहाँ समझिएगा, माफ़ कीजिएगा, कहाँ गया भाई मेरा पेन, चलिए आ गया पेन मेरा, ए जो है आपका इधर से अगर स्थान पे बदल दे तो ये कहाँ पे आ जाता है, 15। तो इस प्लेस की वैल्यू पता चल गई कि भैया दाएं से 9 है, बाएं से 15 है, तो हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालनी है। तो 15 किसी प्लेस की वैल्यू अगर हमको पता हो दाएं और बाएं से, तो उस प्लेस की वैल्यू को हम लोग दाएं प्लस बाएं से जोड़ते हैं और माइनस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा सर, 15 9 24 में से 1 गया हो जाएगा 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या आ जाएगा सर, 23, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। शेर का संबंध अगर माद से है तो खरगोश कहाँ रहता है, शेर माद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है बताइए, ये तो सबको पता होना चाहिए ना। तो बिल्कुल सही बात है सर, शेर अगर माद में रहता है तो खरगोश आपका कहाँ पर रहता है, बिल में रहता है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अनूठापन, पुरानापन, अनूठापन दिया गया, पुरानापन दिया गया, तो नयापन का संबंध किससे हो जाएगा। तो भाई 22 की बात करते हैं तो नयापन का संबंध पुरातनता से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, जिस प्रकार पुरानापन आपका अनूठापन मिल सकता है, उसी प्रकार खोज में नयापन प्राप्त हो सकता है, सॉरी पुरातनता में आपका नयापन जो है प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया एक का संबंध अगर 4 से है तो किसका संबंध 64 से हो जाएगा, देखिए एक का संबंध 4 से है, तो ध्यान से देखिए भाई, एक और चार दिया गया ना, तो 4 का क्यूब, देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आया है, 64। और ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें क्या लॉजिक, कभी कभी क्या होता है ना, लॉजिक आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है ना कि तुरंत आ जाए हर चीज़ आ जाए। तो यहाँ पर एक मतलब क्या है, एक का स्क्वायर कर दो, और ये 4 जो है एक का स्क्वायर अनुपाते 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 64 की बात करते हैं, तो जैसे 1 और 2 स्क्वायर आ गया, तो 64 में अगर देखा जाए तो ये 4 का क्या है, क्यूब है, क्यूब है। तो जैसे 1 2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 3 4 होना चाहिए था, और जैसे ये 4 का अगर क्यूब है तो ये भी क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है सर, 1 का क्यूब 2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 क्यूब 4 क्यूब, तो यहाँ पर 27 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया ना क्या किया गया यहाँ पर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 24 25 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह जो है ज्ञात करना है। EGIK है, FILO है, FHJL है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या करना है भाई। EGIK है ना, तो ई है, जी है, आई है, फिर आपका के है, तो ई के बाद क्या आया, एफ आया है, EFGHI यानी कि +2 हुआ है, IJKL +3 हुआ है, KLMNO+4 हुआ, यानी कि +1 +2 +3 +4, यानी कि पहले वाले में +1 हुआ है, फिर +2 हुआ है, +3 हुआ है, +4 हुआ है, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी कर देंगे। तो F में +1 करेंगे तो F के बाद G आता है, H में +2 करेंगे HIJ आ जाएगा। ठीक है सर, G और J किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक करो ना भाई, आगे क्यों देखते हो, आगे क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, सीधे आपको फर्स्ट नंबर को टिक करना है। इसी तरह पेपर में भी आपको सर क्वेश्चन लगाना है, तभी आप लोग 1.5 घंटे में अच्छे से अच्छा जो क्वेश्चन है कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृति में से संबंधित आकृति को चुनना है। तो ध्यान से देखिएगा, उत्तर आकृति दिया गया है और प्रश्न आकृति दिया गया है, तो यहाँ पर जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये बनकर के आ गया है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से कि भाई ये जो इसके अंदर था वो यहाँ पर बाहर आके रख दिया गया। ठीक है, ये जो बड़ा वाला था फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी आ जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये है फिर ये है फिर ये है, तो सबसे पहले आपका ये आ जाएगा सबसे नीचे, तो सबसे नीचे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ये तीनों जो है किस में दिख रहे हैं, तीनों आई थिंक हमारे ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहे हैं, 2 में दिख रहे हैं ना, नहीं 2 में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया, तो फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पर 2 में ही दिख रहा है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपका एक ये हो गया और
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, ये नीचे त्रिभुज बना है, ये आपका बेसिकली इस तरह से होना चाहिए था, तब आपका ये चतुर्भुज टाइप का होना चाहिए था, तब आपका जो ये ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर करेक्ट हो जाता। बट कोई नहीं, क्वेश्चन में कभी कभी हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया हो, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न आकृति दिया गया है और उत्तर आकृति दिया गया है, तो कर ही ले जाओगे आराम से। देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर नज़रों का, फिर नज़र को अच्छे से यहाँ पर देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये मैंने क्वेश्चन जो है आपकी बुक से लिए हैं तो उतने अच्छे से यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, पेपर में आपका बिल्कुल साफ साफ प्रिंट होकर आता है, तो इतनी डाउट आपको आपको नहीं होगा। तो 27 में अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, 27 में इसको शायद ये कि आपका इस तरह से इसको बस उलट दिया गया। देखिए इसको क्या किया गया, ये चीज़ नीचे आ गया, ये चीज़ नीचे आ गया, ये चीज़ आपका ऊपर चला गया, वही सेम चीज़ हुआ है ना, देखिए पलट दिया गया है पूरा। तो इसको भी अगर हम लोग पलटेंगे तो एक तो पहले आपका ऐसे हो जाएगा, और ऐसे सारे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है, तो यहाँ पर भी आपका इसी तरह से चतुर्भुज होगा, और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है ऐसा और 2 में ऐसा है। ठीक है, 4 और 2 में देखिए कुछ अलग है, अलग कुछ भी दिख रहा है क्या? 4 और 2 भाई सेम ही सेम तो लग रहे हैं मुझे लगता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है, नहीं सर कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो यहाँ पर या तो 4 पे टिक कर दो या तो 2 पे टिक कर दो। ठीक है, तो हम 4 पे टिक कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर सारे के सारे ये पूरा रंगा है, यहाँ पर भी ये पूरा रंगा है, इस हिसाब से हम ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है और कोई मिस्टेक नहीं है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग कर ही ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, माफ़ कीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका ये है, तो आपका ये प्रश्न आकृति वाला ही क्वेश्चन है, 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रश्न आकृति के आएंगे आएंगे, तो आपको नॉन वर्बल पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है भाई आपका। 28 में अगर हम बात करते हैं तो आपका ये इस देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, गोला है, और गोला यहाँ पर हो गया है। ठीक है, स्टार यहाँ पर था, स्टार यहाँ पे आ गया है, तो एक काम करते हैं पहले एक एक करते हैं, यहाँ पर जैसे गोला था, गोला यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर ये अगर आपका यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट में आपका ये हो गया, तो अगर हम इसको अगर फिगर ऐसे बनाते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर जो स्टार था, ये यहाँ पर जो स्टार था, यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे जो यस है वो इसके बगल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यस है तो ये इसके बगल में आ जाएगा, ऐसा कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, अच्छा सब में दिख रहा है, बस ऑप्शन नंबर 4 में नहीं दिख रहा है। और मिलाते सर यहाँ पर बराबर था, यहाँ पर नीचे आ गया, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस किस में आ रहा है, चलो ठीक है अभी इसमें नहीं आ रहा तो ये वाला कट दो। इसके बाद यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर आपका गुड़ा था, यहाँ पर गुड़ा था, गुड़ा यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखिए आपका त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पर सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आपका जो फिगर यहाँ पर सी बचा, सी बच जाएगा, तो ऑप्शन जो इसका 3 वाला है बिल्कुल देखिए सेम टू सेम है, तो ऑप्शन जो इसका 3 हो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आप सभी को चुनना है। देखिए विषम शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हिलसा, हेरिंग दिया गया, हंगर, सार्क, बराकूडा, होएल, तो इन सब में देखा जाए विषम क्या हो जाएगा। सिंपल थोड़ा लॉजिक लगाइए, जो होएल है आपका स्तनपाई है, और जो अन्य सभी मछलियां हैं वो अंडे देती हैं। ठीक है, याद रखिएगा होएल आपका स्तनपाई है, और ये जो बराकूडा है, हंगर है और हेरिंग है, ये सारी आपकी मछलियाँ जो हैं अंडे देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से आपको विषम शब्द आप सभी को चुनना है। विषम शब्द यहाँ पर चुनना है आप सभी को, तो बहुतायत, ध्यान से देखिए बहुतायत है, और बहुत अधिक है, प्रचुर है, और विस्तृत है, तो सिंपल सा भाई यहाँ पर देखा जाए तो विस्तृत देखा जाए तो आपका अलग हो जाएगा, बल्कि प्रचुर, बहुतायत और बहुत अधिक, तो आपका इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका इसका मतलब होता है जो बहुत अधिक मात्रा में, विस्तृत का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई में बहुत फैला हुआ हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह चुनना है आप सभी को, AEF J है, KOPT है, YUYZD है, तो यहाँ पर सिंपल सा देखो भाई, यहाँ पर बीच वाला देखो, EFOPHI, +1 +1 हुआ है, लेकिन यहाँ पर YZ हुआ है, चलो ठीक है बीच वाला तो बिल्कुल सही है। अब ए और जे में देखा जाए तो एक है, जे का कोड आपका क्या होता है, AJ, का मतलब होता है 10, यानी कि +9 हुआ है ना। इसके अलावा यहाँ पर K का मतलब कितना होता है, 11, और T का मतलब होता है 20, यानी कि +9 हुआ है। E का मतलब होता है 5, और L का मतलब होता है कि आपका 12, यानी कि यहाँ पर सिर्फ +7 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर +9, यहाँ पर +9, और यहाँ पर +7, और यहाँ पर भी देखा जाए तो भाई U का मतलब क्या होता है आपका, 23 होता है, U का मतलब U भी, यानी कि आपका 21 होता है, और 21 मतलब +9 करोगे तो भाई 21 और 9 मिलकर कितना होता है, 21 और 9 मिलकर 30 होता है, और जो 30 है, जो 30 है वो 26 से 4 ही तो ज़्यादा है, यानी कि 4 मतलब कोड इसका दिया गया है, तो यहाँ पर और सारे एक जैसे हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 24, 60, 124, 210 में आपको भिन्न चुनना है, अलग चुनना है, तो ध्यान से देखिए भाई, 24 है
उसके बाद 24 का मतलब क्या हो जाएगा सर? चलिए ठीक है, 24 है, उसके बाद 124 है, 60 है, फिर आपका 210 है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 24 को तोड़ते हैं हम लोग, 24 को तोड़ेंगे तो भाई 8 × 3 हो जाएगा, 8 × 3 में टूट गया ना। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह इसको तोड़ते हैं 124 को, तो 8 से कटेगा, ठीक है 8 से कट जाएगा, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 72, 72, और ये तो नहीं टूट रहा है, 72 × 2 = 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है क्वेश्चन को, फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा अलग होगा। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, 210 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है 210 दिया गया है। एक काम करते हैं, सबको फिर से वही तोड़ के देखते हैं, इसको अगर हम लोग सब में तोड़ते हैं तो 3 × 8 = 24, यानी कि 2 × 2 = 2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, 2 × 4 × 8, 8 से कट गया, 8 से कटेगा ना सर, 8 × 8 = 8, और यहाँ पर 4 बचेगा, 8 × 4 = 12, 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटना चाहिए था, 4 से कटेगा ना सर, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, ठीक है 4 × 3 = 12, चलिए 4 से तो नहीं कट रहा है यहाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर मिस हो रहा है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, चलिए इस बार इसको इस तरह तोड़ते हैं, 2³ + 3 था, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2² 2 × 2 = 4, फिर 4 × 3 = 12, 12 12 × 2 = 24 × 3 = 72, यानी कि आपका ये होना चाहिए था 24 × 3 = 72, ये होना चाहिए था जो हम तोड़ रहे थे, 2³ × 3 × 3 आ रहा था, ये आपका ये टूटेगा, ठीक है थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। 60 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 60 कैसे टूटेगा आपका, 60 आपका जैसे टूट जाएगा 3 × 5 × 2 की पावर 2 में टूट जाएगा। इसी तरह 210 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा सर, 3 × 5 × 7 × 2 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें देखा जाए तो सारे के सारे देखा जाए तो इसमें 3, 5, 7, 2, यहाँ पर सारे के सारे जो आपके क्या मिल रहे हैं, एक एक जो है अभाज्य संख्या मिल रही, जबकि यहाँ पर 2 की पावर 2 मिल जा रहा है, यहाँ पर 2 की पावर 3 मिल रहा है, यहाँ पर 2 की पावर 3 मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर होना चाहिए डिफरेंट, बट आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, इसका सॉल्यूशन भी नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं और तय करना। कथन दिया गया है कि अच्छी आवाज़ एक दैवीय उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में सुधार और बेहतर करने के लिए व्यक्ति को अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है ये कथन है। तो अगला देखिए क्या कह रहा है कि दैवीय उपहार को पोषण व देखभाल की आवश्यकता है। अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग कथन देखें तो भाई चलो ठीक है, अगर हम कथन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष जो निष्कर्ष एक है वो आपका अनुसरण कर रहा है, क्योंकि भाई अगर आपको अच्छी आवाज़ मिली है, दैवीय उपहार मिला है, तो अगर आपको उसको अभ्यास करोगे, बेहतर करोगे, पोषण और देखभाल करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। भाई अगर विराट कोहली को मान लीजिए कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, सचिन गॉड गिफ्टेड है, अगर वो प्रैक्टिस करना छोड़ दे क्या उनका बैटिंग अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो मेरे हिसाब से तो भाई पहला निष्कर्ष जो निकल रहा है, अगला कह रहा है कि सतत अभ्यास से किसी को दैवीय उपहार मिल सकता है, सतत अभ्यास से, अकॉर्डिंग टू द कथन ऐसा नहीं कहीं कुछ कहा गया है, तो भाई मुझे कथन के अनुसार कहना, देखिए यहाँ पर कथन के बाद ही कुछ तय करना है, तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 34 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। एडी, कंधा, खोपड़ी, अच्छा थोड़ा बड़ा है, गर्दन, घुटना, वक्ष, जांघ, पेट, मुख, हाथ। तो चलिए मिला लेते हैं जल्दी से, इसको करते हैं कुछ नहीं, तो सबसे सार्थक क्रम में अगर इसको लगाएंगे तो सबसे ऊपर से अगर लगाना शुरू करते हो, सबसे ऊपर क्या आता है, खोपड़ी आता है, यानी कि पहले 3 नंबर आएगा, ठीक है। तो अगर 3 नंबर आएगा तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन कट गए, 3 के बाद अगर दूसरा, चौथा और 9 में से देखते, 4 पहले होगा, 9 पहले होगा, उसी को देख लो आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 में आपका क्या भाई, गर्दन है, तो खोपड़ी के बाद गर्दन आएगा या खोपड़ी के बाद मुख आएगा, आप लोग खुद दिमाग लगाओ। मेरे हिसाब से तो भाई इसमें अगर देखा जाए तो खोपड़ी के बाद आपका क्या आता है, पहले मुख आता है, फिर आपका गर्दन आता है, तो 3 के बाद मेरे हिसाब से 9 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, और 3, 9, 4 देखिए इसी वाले ऑप्शन में दिया गया, आगे मिलाने की जरूरत नहीं, इतना लंबा क्यों ले जाओगे, सीधे ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर दो, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए 35 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों को
शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करना है, कर ले जाओगे ना फटाक से। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर वाउंड है, राइटर है, तो डब्ल्यू ओ है, फिर डब्ल्यू आर है, डब्ल्यू एच है। तो आपको पता है ओ आर एच में पहले कौन आता है, ओ आर एच की अगर हम बात करते हैं तो पहले आपका एच आता है, तो नंबर एक पे तीन हो जाएगा। तो तीन से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर थ्री वाला स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को टिक कर देंगे और कुछ देखना ही नहीं है। देखिए कितना आसान आसान दिया गया, ऑप्शन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ऑप्शन अगर आपका अच्छा फोकस करते हो तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आंसर जो है आपके सामने होगा। समझ में आ गया ना, तो ये रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हुए। अब बढ़ते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस की तरफ, तो जनरल अवेयरनेस से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना आपका। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि 1937 से लेकर के 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और मक्खन किसका उदाहरण है, देखिए साइंस से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, तो मक्खन जो होता है कोलाइडल घोल का उदाहरण होता है। किसका दोस्तों, कोलाइडल घोल का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन जो इसका दो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाई कोलाइडल घोल क्या होता है, ऐसा कोलाइडल विलयन जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय जो होता है आपका द्रव होता है, जो विलायक होता है वो ठोस होता है, जो विलेय होता है वो आपका द्रव होता है। जैसे उसे हम लोग जल, जैसे जेल आपने देखा है, जेल आपने देखा, जेल है, जेली जो आपका होता है उसे कहते हैं मक्खन, जैसे आपका जेली तो होता है। तो ऑप्शन जो इसका दो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 कह रहा है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल में के 10 अणु नहीं होंगे, क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे, तो यहाँ पर 38 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लेबेट साल, देखिए सबका आपको फॉर्मूला पहली बात तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट फॉर्मूला नहीं पता होगा आप लोग नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा एप्सम साल्ट जो होता है इसके 10 अणु नहीं होते हैं, एप्सम साल्ट जो होता है आपका MgSO4.7H2O इसका फॉर्मूला होता है, और इसके टोटल 10 अणु कंप्लीट नहीं होते हैं। क्योंकि और सब बोरेक्स में अगर हम करेंगे तो बोरेक्स का क्या होता है भाई, सबको पता है बोरेक्स या सुहागा एक ही जो होता है Na2B4O7.10H2O, यहाँ पर भी .10H2O आता है। इसी तरह वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो Na2CO3.10H2O, यहाँ पर भी 10H2O होता है। और ग्लोबल सॉल्ट की बात करते हैं तो Na2SO4.10H2O होता है, सब में 10H2O होता है, बट एप्सम सॉल्ट में जो आपका होता है 7H2O होता है। तो इसका फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तो ऑप्शन जो इसका फोर है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। अगर हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड कब आया था, 9 नवंबर 2000 को, कब भाई, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आया था। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 40 कह रहा है कि 1930 ईस्वी में सी वी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो किस में जीता था, तो बेसिकली भौतिक साहित्य में, किसने जीता था भाई, भौतिक शास्त्र में। तो ऑप्शन जो इसका थ्री है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रमन प्रभाव उन्होंने एक दिया था, उसके लिए इनको ये मिला था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 41 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं विक्रम सेठ द्वारा, तो उनकी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी बीस्टली टेल्स, बीस्टली टेल्स ये जो पुस्तक है ये एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। इसी तरह 42 कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताना है, तो हरिवंश राय बच्चन ने जो आखिरी कविता लिखी थी 1 नवंबर 1984, ये जो कविता है उनके द्वारा लिखी गई आखिरी कविता थी, और ये कविता का वर्ष भी है 1984 में ही लिखा गया था, और ये जो कविता है इंदिरा गांधी का जो हत्याकांड था उस पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डॉट 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 किसने किया था, बेसिकली किसने किया था रक्त समूह जो प्रणाली है उसकी खोज जो है लैंडस्टेनर ने किया। देख सकते हैं साइंस के कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, तो यहाँ पर कार्ल लैंडस्टेनर, तो ऑप्शन जो इसका चार है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो 44 की बात करते हैं तो कौन सा जीवाणु भाई अंडाकार या गोलाकार होता है, तो कोकस, जो आपका कोकस है ये आपका अंडाकार या गोलाकार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 देखिए ध्यान से जल्दी जल्दी करवाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है, तो सिंपल सा भाई आपको पता ही चल गया किसकी किसकी, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो मन्नार जिला है, तो यहां पर मन्नार जिला है तो उसको पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। ठीक है, 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के साथ, संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है, तो 46 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर, अलास्का के साथ जो है साझा नहीं करता है। ठीक है सर, अलास्का के साथ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपको पता है भाई दुनिया की अगर हम बात करते हैं पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर भारत है, और तीसरे स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, तो ऑप्शन जो इसका थ्री है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे ही था कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में देखा जाए तो आपका जो मस्कट है यूएई का एक अमीरात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। बहरीन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 49 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनामा। मनामा जो है दोस्तों बहरीन की राजधानी है, तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 यहाँ पर है कि भाई डॉट 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 पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो यहाँ पर सभी को पता है कि जो श्री मीरा कुमारी जी थी, मीरा कुमार जी जो थे वो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 51 कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो सिपाही विद्रोह है मेरठ शहर में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका 4 है करेक्ट हो जाएगा। और पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी जो हैं ये भारत के कौन से राज्य से, गुजरात राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सी गेहूँ की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो याद रखिएगा, भारत के हित कार्य में योगदान था किसका भाई, लर्मा रोजो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है याद रखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 55 कह रहा है कि फरवरी 1948 ईस्वी में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। ये क्वेश्चन कई बार कई जगह पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा बेनेगल नरसिंह राव जी ने तैयार किया था। 56 कह रहा है कि भैया उम्मेद भवन पैलेस जो है किस शहर में स्थित है। तो ज्यादातर ये जो भवन पैलेस होते हैं आपके राजस्थान में स्थित होते हैं, बट यहाँ पर राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 57 कह रहा है कि लावड़ी जो है किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 57 तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है महाराष्ट्र का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसी तरह 58 कह रहा है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो बजट से संबंधित क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तो सन 2016 एक ऐसा आखिरी साल था जब रेल बजट और केंद्रीय बजट जो है अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, और 2017 से रेलवे बजट को भी केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, याद रखिएगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4060 कह रहा है कि भैया निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा गुरुग्राम, गुड़गांव जो भी बोला जाता था पहले, गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 62 कह रहा है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 455 से 390 nm होती है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो याद रखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं पहले रक्षा मंत्री के बारे में, तो ये कौन थे भाई, बलदेव सिंह जी थे। कौन थे भाई, बलदेव सिंह जी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित क्वेश्चन है, जिनके भाई कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किस नदी पर स्थित, एक द्वीप पर स्थित है। तो याद रखिएगा 64 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा तापी नदी पर। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 देखिए कह रहा है कि भाई पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो भाई पुष्प के किस हिस्से में, तो 65 की बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पराग कोष। क्या हो जाएगा भाई, पुष्प के पराग कोष वाले हिस्से में पराग का जो है उत्पादन होता है। तो भैया आपके 65 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हुए हैं, जीके जीएस और आपका रीजनिंग। अब आते हैं हम लोग मैथ के सेक्शन की ओर, और उसको भी कंप्लीट करेंगे जैसे जैसे इसको कंप्लीट किया। और आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग को मैं समझाते हुए यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो आप लोग पेपर अगर आपका अच्छे से तैयार करके जाओगे, यहाँ पर हमारे चैनल से पढ़ करके जाओगे, तो गारंटीड है आप लोग सेलेक्शन लेकर के आओगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का देखिए, 60 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। 60 का गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 2 से काटो 30 बार गया,
फिर 2 से काटो 15 बार गया, फिर 2, 3 से काटो 5 बार गया, फिर 5 से काटो 1 बार गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी अभाज, ये भी अभाज, ये भी अभाज, ये भी अभाज, तो 1, 2, 3, 4, टोटल कितने दोस्तों आपके 4 हैं, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 4 हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर टोटल 2 तो आपका, देखिए 2 तो आपका सेम ही सेम है ना, तो यहाँ पर ये इसको 1 माना जाएगा, फिर 1, 2, 3 लगाएंगे, तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 है इसको टिक करेंगे, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया ना, ये सिंपल सा चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ये अब फ्रैक्शन, वैसे भी हमको देखा जाए तो फ्रैक्शन निकालना, तो फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 60 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते हैं ना, तो इस तरह से आपका निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका मान निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अंडर रूट क्या आपका 34 दिया गया, देखिए 34 दिया गया, -2 अंडर रूट 253, 253 जो है भाई, देखा जाए देखिए 253 दिया गया, चलिए इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। अब इसका मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। अब मुझे पता है कि 253 तो आप लोग निकाल नहीं सकते हो, तो इसको थोड़ा सा लॉजिक से लगाओ, भी देखो आपका समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर 23 11 दिया गया है, 15 9 दिया गया है, 14 10 दिया गया, 17 7 दिया गया है, तो किसको जोड़ने पर 34 आ रहा है, देखिए 23 और 11 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। तो हम लोग सिंपल सा हम बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, बट मैं आपको समझाता हूँ इसको लगाना कैसे, लगाएंगे कैसे, मैंने बता दिया पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसको हम लोग कर देते क्या 23 प्लस 11 कर देते हैं, -2 गुड़े। अब देखो अंडर रूट 23 गुड़े अंडर रूट 11 करोगे, सॉरी अंडर रूट 23 गुड़े अंडर रूट 11 ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो गुणा करोगे देखिए 253 के बराबर आएगा। गुणा करके देख लो भाई, 11 3 33, 11 2 22 3 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हो आप लोग क्या, अंडर रूट 23 का स्क्वायर। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, पहले तो मैंने आपको सिंपल सा वैसे भी आंसर बता दिया था, ये क्या है आपका अंडर रूट 11 का स्क्वायर -2 गुड़े अंडर रूट 23 गुड़े अंडर रूट 11। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ab है, इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर a - b का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 23 - अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर काटोगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा अंडर रूट 23 - अंडर रूट 11। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है करेक्ट हो गया। वैसे आप लोग चाहो तो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताया था वहाँ से भी लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 की पावर 5, 4 * 5 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2 * 5 की पावर 6 का मासा क्या होगा। मासा देखिए क्या होता है, देखिए समझिएगा, अब मासा कैसे निकालते हैं, 3 की पावर 4 * 5 की पावर क्या दिया गया, 5 दिया गया, और नीचे दिया गया है 3 की पावर 2 * 5 की पावर 6। इसका अगर हम लोग निकालते हैं क्या, SCF निकालते हैं, SCF मतलब होता है जो हाईएस्ट कॉमन होता है, तो इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट क्या है, देखा जाए तो हाईएस्ट 3 की पावर 4 है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा कॉमन होता है देखा जाए तो। हमेशा याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, तो इसमें कॉमन दोनों में क्या है, तो 3 की पावर 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3 की पावर 4 तो है नहीं, यानी कि 3 की पावर 2 अगर लेंगे तो 3 की पावर 2 देखिए ऊपर वाले में भी है इसमें भी है, तो 3 की पावर 2 यहाँ पर कॉमन आ गया। इसी तरह 5 की पावर 6, 5 की पावर 5 में क्या कॉमन है, 5 की पावर 5 कॉमन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 की पावर 2 * 5 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अगर यहीं पर एलसीएम पूछा गया होता तो ये ऊपर वाला करेक्ट हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया 102 * 98 का मान क्या हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, 102 को लिखना है 100 + 2, आसान तरीका ये होता है लगाने का, और 98 को लिखना है 100 - 2 लिखना है। हल करो, a + b * a - b, यानी कि a² - b², तो a² करो तो 10,000, 10,000 में से क्या घटा दो, 2 * 2 = 4 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई 9,996 आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा जल्दी लगवा रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बट आप भी ऐसे लगाओगे, बस चैनल पर जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, 35 * 27 * 52 के गुणनफल के अंत में कितने जीरो हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे भाई, 35 * 27 * 52 है, वैसे देखा जाए तो अंत में इसमें शून्यों की संख्या एक ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 2 है, और कहीं हमको गुणा का दिख नहीं है, क्योंकि भाई 35 को अगर आप तोड़ोगे तो 5 * क्या हो जाएगा 7, 27 को तोड़ोगे तो 3 * क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 52 को तोड़ोगे तो 26 * 52 होता है, यानी कि 13 * 26 * 52, तो यहाँ पर एक यही 2 नंबर है, 5 * 2 = 10, करने पर एक ही 10 आ रहा है, और कहीं भी 10 आएगा, कहीं भी गुणा करके
देख लो, लास्ट में 10 20 30 कहीं पे आ रहा नहीं आएगा करके देख लेना। तो यहाँ पर कितने जीरो मिल रहे हैं आपको, 1 0 मिल रहे हैं, तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो पूरा गुणा करके देख लीजिएगा, आपका 1 ही 0 आएगा गुणा करने पर भी, ठीक है? तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा भाई, 40+। अब देखिए उसी तरह का क्वेश्चन फिर से देखिए देखने को मिल गया। तो 40+2 अंडर रूट क्या है, 319। तो फिर से 40 को देखते हैं, 40 यहाँ पर क्या है भाई, किसको किसको जोड़ने पे 40 आ रहा है? 15 8 23 होता है तो ये नहीं होगा, 21 2 23 होता है तो ये आपका नहीं होगा, 22 11 कितना होता है, 2 1 3, यानी कि ये भी नहीं होगा, 29 11 जोड़ने पर 40 होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिना कुछ हल किए हमने ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर दिया। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप अभी 67 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल मैथ आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर के एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है और बी लेकिन उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। ए जो है अकेले कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, ठीक है? ये आपको तरीका लगाना है। अब बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये आप चाहो तो सूत्र से लगा सकते हो या आप एलसीएम मेथड लगा सकते हो। तो सूत्र से क्या लगाएगा भाई, अगर आपसे यहाँ पर दो लोगों का कार्य देखे दिया गया है, इतने में कर रहे हैं, तो ए आपका 60 दिन में कर रहा है, तो बी का कार्य सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, 40 गुणे 60 बटे, अब बड़े में से छोटे को घटा दो, 60 माइनस 40 कर दो। ये सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला है, जब मैं आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाऊंगा तो आप लोग वहां से भी लगा सकते हो। तो 40 गुणे 60 बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 यहीं 60 40 यहीं कितना हो गया, 120 हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 120 आ गया। नहीं समझ में आता ये सब तरीका, ये सब आपको फॉर्मूले नहीं याद रखने, तो आपको बेसिक से भी सिखा दूंगा सर कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, सर 40 दिन में कर रहे हैं, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है? इनका एलसीएम 120 आ गया, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का काम आ गया 40 तिहाइयां 120, बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 60 दूना 120, यानी कि अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो भाई बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 में से इस बी को घटा दो यानी कि ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, तभी तो भाई 2 और 1 मिलके 3 होगा। अगर ए की वैल्यू 1 आ गई तो बताओ 120 दिन पूरा काम करने के लिए उसका कितना समय लगेगा, 120 बटे ए यानी कि 1, तो 120 तब भी आ गया। तो बेसिक मेथड से भी आपका आएगा, हर तरीका आपको बताया जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि एक टंकी का 4/5 भाग 20 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को कितने समय में भर जाएगा। भाई 4/5 भाग अगर 20 मिनट भरता है तो बचे हुआ भाग कौन सा भाई, 4/5, 1 में से 4/5 को घटा दो कितना आ जाएगा, 5 गुना 5 में से 4 गया, 1/5, यानी कि 1/5 भाई, 4/5 भाग को अगर हम लोग 20 मिनट में भर रहे हैं समझो, तो 1/5 भाग को कितने मिनट भरेंगे, तो भाई मुझे पता है कि 4/5 भाग को 20 मिनट भरा जा रहा है। अब एक बात बताओ सिंपल सा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को और आसानी से कैसे लगा सकते हो, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई टंकी का शेष भाग आपने निकाला भाई, 1 माइनस 4/5 करके आपने निकाल दिया, कितना आ गया, 1/5 आ गया, यानी कि टंकी का 4/5 भाग अगर 20 मिनट भर जाता है तो टंकी का जो 1/5 भाग है, 1/5 भाग है वो कितने देर में भरेगा आपका, सीधे 20 गुणे, अब 4/5 है तो इसको 5/4 करोगे। अब कहोगे सर 5/4 क्यों किया, फिर गुणे हम लोग 1/5 करेंगे, अब कहो हमने ये क्यों किया, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सा मैं आपको बताओ एक चीज़ बताओ, जैसे आप एक एक नियम लगाओ, 4/5 भाग जो है आपका 20 मिनट में भर रहा है तो पहले आप लोग एकवा भाग निकालते, तो एकवा भाग क्या करते, 20 भाग देते, तो भाग देते यानी कि गुणा कर देते तो 5 और 4 हो जाता, फिर इसका फिर 1/5 निकालते कितना जाता, 20 गुणे आपका 5/4 था गुणे 1/5 करते। वही चीज़ तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है बस, और कुछ करना नहीं है। तो बस इसका 4 5 20 ये कट गया, यहाँ पर कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 मिनट में भरेगा। समझ में आ गया सर, क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया ना। चलिए, या आप लोग और कोई तरीका यहाँ पर लगा सकते थे, जैसे 4/5 20 मिनट में भर रहा है तो बचा हुआ भाग यानी कि देखिए 4/5 यहाँ पर 20 मिनट में भर रहा है यानी कि हाँ ये भी तरीका लगा सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी आपको जब डिटेल में कराऊंगा तो वो सब हो जाएगा, टेंशन मत लो एकदम। 74 देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के 2 बिकर्णों की लंबाई जो दी गई है 12 और 16 दिया गया है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या है। तो भाई एक बात बताओ, समचतुर्भुज की जो भुजा होती है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, भुजा जो होती है उनके विकर्णों के वर्गों का गुणनफल योग होता है, यानी कि 12² + 16² ये फॉर्मूला होता है, सॉरी 12² + 16²
समचतुर्भुज दिया गया, माफ कीजिएगा मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है। समचतुर्भुज दिया गया है यानी कि विकर्ण दिए गए हैं, तो विकर्ण होता है। और यहाँ पर हमें भुजा की माप यानी कि इसकी माप बतानी, यानी कि इसका आधा, इसका आधा। अच्छा ठीक है सर, तो ये होता है भाई इसका आधा, यानी कि एक बिकड़ का आधा, इस बिकड़ का आधा। यहाँ पर समचतुर्भुज 90 डिग्री का बनता है, यानी कि हाँ ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर इसकी जो भुजा आएगी, जो भुजा आएगी कैसे आएगी भाई, भुजा जो आएगी अंडर रूट कर्ण जो है इसका जो विकर्ण उसका आधा, यानी कि एक विकर्ण का 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग, प्लस इस विकर्ण का आधा यानी कि 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होता है भाई आपका, 36 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है आपका, 64 होता है। 64 36 कितना हो जाएगा, 100। तो अंडर रूट 100 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। आप समझ में, अब आप लोग सोच रहे हो मैंने आधा क्यों किया। देखो समचतुर्भुज क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका, चलिए ये है आपका एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं और विकर्ण आपके बराबर नहीं होते, लेकिन एक यहाँ पर क्या होता है कि विकर्ण जो होते हैं सम द्विभाजित करते हैं, यानी कि ये विकर्ण यहाँ पर ओ पर कर रहे हैं, सम द्विभाजित कर रहे हैं, और इन पे 90 अंश का कोण बनता है। यानी कि अगर ये पूरा 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 6 हो जाएगा। ये पूरा 16 है तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। अब देखो ये सम कोण बन रहा था यहाँ पर, 90 अंश पर कट रहा था, तो ये आपका क्या हो गया, 90, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला लगाया वहां से निकाल करके, बट फॉर्मूला यहाँ बस याद रखिएगा और आपको हर चीज बताया जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये है, तथा ग्राहक इसके लिए 540 रुपये देता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। भाई अंकित मूल्य 600 है, बेचा है 540 में, यानी कि छूट कितना दिया गया है, 600 में से 540 घटा दो, कितने रुपए की छूट दी गई है भाई, बताइए छूट कितने रुपए की दी गई है, 600 से 500 यानी कि 60 रुपए की छूट दी गई है। और छूट की किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो बटे कितना कर देंगे, 600 कर देंगे, गुणे कितना कर देंगे, परसेंटेज निकालना तो गुणे 100 कर देंगे, 2 0 2 0 कटा, 6 दहमा 60 आ गया, तो कितना परसेंट आ गया सर आपका, 10% आ गया। समझ में आ गया ना, प्रतिशत वैसे तो मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा ना कि बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन देखोगे ऐसे आंसर लगा के चले आओगे, बिल्कुल दिक्कत तो वहां पर आपको होने ही वाली नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों की नेट छूट क्या है। अब भाई 10 और 20 का जब भी छूट दिया जाता है तो नेट छूट निकालने का जो तरीका है, देखिए छूट दिया जा रहा है ना, यानी कि 10 और 20 का छूट दिया जा रहा है, आप समझिएगा, यानी कि एक बात समझो इसको। मैं सबसे आसान तरीका चाहो तो आप लोग एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब मुझे पता है कि अगर एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर भी छूट दिया जा रहा है, यहाँ पर भी छूट दिया जा रहा है, यानी कि -10 और -20 हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा 10 × 20 / 100। अब आप लोग कहोगे ये क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है भाई यक्स प्लस वाई और प्लस यक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। ये अगर छूट दिया जा रहा है तो माइनस में लेते हैं, और अगर आपको छूट के स्थान पे अगर प्लस किया जा रहा है तो यहाँ पर इसको मतलब लाभ दिया जा रहा है तो यहाँ पर इसको प्लस में लेते हैं, तो माइनस में इसलिए लिया क्योंकि छूट दिया जा रहा है, तो -x - y। और यहाँ पर हमने प्लस क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों का गुणा माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या आ गया, प्लस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया भाई, यहाँ पर 2 0 कट गया, 20 और 10 कितना हो गया, -30, और प्लस कितना हो जाएगा 2, और -30 + 2 मिलकर क्या आ जाएगा, -28, यानी कि नेट छूट कितनी हो जाएगी सर, 28% की हो जाएगी, ठीक है सर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 12 घटाया जाता है तो नई संख्याएं जो होती हैं 9:14 के अनुपात में हो जाती है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ठीक है, यहाँ पर x मान के लगा लो, वो आपके लिए आसान रहेगा, ऑप्शन मेथड भी आपको सिखाया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो x मान के लगाएंगे तो 3x माइनस, देखिए 3x अनुपात क्या हो जाएगा भाई, आप एक आपका 3x आ जाएगा, एक आपका 4x आ जाएगा। अब दोनों में से क्या किया जा रहा है, 12 घटाया जा रहा है, ठीक है, यानी बटे 4x -12 किया जा रहा है, तो ये अनुपात जो है 9:14 क्या हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है। इसको सॉल्व कर लो, 14 3 कितना हो गया आपका 42, 42x माइनस क्या हो जाएगा, 14 × 12 करोगे तो 14 × 12, ठीक है, 14 × 12 यानी कि 168 होता है। इसी तरह यहाँ पर 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36x, और -12 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब 42 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा सर आपका, 42 में से 36 घटाएंगे तो 6x आएगा, बराबर 168 को उधर लेकर के जाओ तो 168 में से 108 को घटाओ कितना आ जाएगा सर आपका, 168 160, यानी कि 108 यानी कि 60 आ जाएगा। तो 6 दहमा कितना हो गया, 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो पहला जो
संख्या है 3x है। देखिए पहला कितना आपका 3x है, दूसरा क्या 4x है, यानी कि 3x मतलब 3 धाम 30, 4 धाम 40। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78, देखिए ऑप्शन नहीं दिए गए, ऐसे ही सिंपल सा दिया गया है। ए बटे 2 बराबर बी बटे 5, सी बटे 7 दिया गया, तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा भाई, ए बी सी का अगर अनुपात निकालना है तो क्या आ जाएगा, 1 बटे ए बटे क्या दिया गया है 2 बराबर बी बटे क्या दिया गया 5 बराबर सी बटे 7 दिया गया। तो सिंपल सा भाई, ए बटे और ए बी सी का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 2:5:7 ही हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था भाई, क्योंकि भाई ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछा जा रहा है ना। तो जब जैसे मान लो इसका बराबर मान लेते क्या के मान लेते, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आती भाई, ए की वैल्यू कितनी आ जाती 2 के आ जाती, बी की वैल्यू कितनी आ जाती 5 की आ जाती, सी की वैल्यू कितनी आ जाती 7 की आ जाती। इनका अनुपात निकालते के कट जाता, फिर से वही आपका आंसर हो जाता, तो 2:5:7 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत 20 तथा अन्य सभी अन्य 30 संख्याओं का औसत जो है आपका 40 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या है, ध्यान से देखिएगा, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया आपका 20 दिया गया है, समझिएगा। 10 संख्याओं का औसत 20 यानी कि ठीक है, और 30 संख्याओं का औसत 40 दिया गया, तो यानी कि 10 संख्याओं का योग, देखो जैसे 10 संख्याओं का औसत अगर 20 दिया गया, तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 10 × 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 30 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 40, यानी कि 30 × 40 हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। और सबका योग औसत निकालना, यानी कि सबको जोड़ लो और जो कुल संख्या है उससे भाग दे दो। तो यहाँ पर 10 संख्या थी, यहाँ पर 30 संख्या, तो 10 और 30 मिलकर कितनी संख्या हो जाएगी, 40 संख्या हो जाएगी। तो 20 दहम कितना हो गया 200, प्लस 30 × 40 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, बटे कितना आपका यहाँ पर 40 है, तो 12 और 2 यानी कि 1400 बटे 40, तो 1400 बटे 40 करेंगे तो 0 0 कट गया, और 4 से काटो 4 3 12 4 5 20 यानी कि 35 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए लगातार अभी एक बार भी मैंने कट नहीं किया है, लगातार आपकी जो क्लास है चली रही है, मैंने एक बार भी बीच में कट नहीं किया, पानी नहीं पिया, लगातार क्लासेस चलाई जा रही है, ठीक है। 80 का इसीलिए लाइक तो कर देना, कम से कम एटलीस्ट लाइक कर देना, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग टाइम डिस्कस कर लो, मैथ का पढ़ना है, रीजनिंग का पढ़ना है और जीके जीएस का पढ़ना है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो भैया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सिंपल सा इस तरह के क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि भाई मुझे पता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ जो हो जाएगा 15 − 12 कर दो, यानी कि जिसका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्या कर दो भाई, लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ हमेशा क्या होता भाई, जो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जिसके विक्रय के बराबर होता है बटे 12 कर देंगे, गुणे कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर लाभ जो होता है 12 के विक्रय के बराबर है, यानी कि 12 का जो विक्रय है वही हमारा एक्चुअल प्राइस होता है, उसी पर हमको लाभ मिलता है। तो इसको ये सब चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी, टेंशन मत लो बिल्कुल। तो 3 बटे क्या हो गया 12, गुणे हो जाएगा आपका 100, तो 3 बटे 12 का मतलब हो गया 4, और 4 से काटो 25 बार जाएगा, तो 25% जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 70% का लाभ होता है, 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को समझो एक लाइन में, अगर मैं लगाना चाहूँ इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य पहले निकाल लो, 850 रुपये में बेचने पर 70% का लाभ होता है। देखो ध्यान से, सीपी हमें पहले निकालना है, तो 850 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ हुआ 70% का, तो सीपी कितना आ जाएगा, 850 रुपये में बेचा गया, लाभ कितने का हुआ था 70 का, यानी कि लाभ कैसे निकाल, अब इसका सीपी निकालने के लिए पहले गुणा करेंगे हम लोग 100 से, और भाग किससे देंगे 70 का, अगर लाभ हुआ यानी कि 100 में 70 जोड़ दो कितना आ जाएगा 170 से क्या कर दो 100 बटे 170 से गुणा कर दो, तो यानी कि SP गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट, ये होता है सीपी का फॉर्मूला। समझ में आ गया ना, इसको हल करो तो 0 0 कट गया, 17 × 5 = 85, तो 50 × 10 कितना आ जाएगा 500 आ गया, तो भैया 500 रुपये आपका आ गया सीपी। अब 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए था, तो 500 का 30% क्या होता है भाई, 500 का अगर हमको 30% लाभ चाहिए तो 130 बटे क्या निकाल लो 100 निकाल लो, तो 0 0 0 0 कट गया, तो 13 × 5 कितना हो जाएगा आपका 65, यानी कि 650 रुपये। तो आपका जो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाता सर, 650 जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ जाता।
क्लियर है सभी को? चलिए, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ और हानि से ही क्वेश्चन शायद है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो पहले के मूल्य बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने आता है। तो भाई, अगर वृद्धि हुई है और कमी करनी है, देखो ध्यान से वृद्धि। अब देखो, मान लो कोई चीज़ पहले 100 की थी, अब 25 की वृद्धि हो गई, यानी कि वो 125 हो गई। अब 125 को हमें फिर से 100 पे पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? 125 को 100 पे पहुंचाने के लिए हमको कितना कम करना पड़ेगा? 25 कम करना पड़ेगा। और 25 कम करना पड़ेगा, और किससे कम कर रहे हैं हम लोग? 125 से कम कर रहे हैं, तो बटे 125 गुणे कितना कर देंगे हम लोग? 100 कर देंगे। तो 25 पंचे 125, 5 बीस से 100, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया आपका? 20% आ गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सर। आपका ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 2400 के 40% के 30% का मान बताना है। तो 2400 का मतलब होता है गुड़े 40%, मतलब 40/100। इसका भी गुड़े का मतलब 30/100। इसी का मान निकालना है। तो 2 0 2 2 4, तो 1 2 3 4 कट गया। तो 24 × 4 दिया कितना होता है? 12। तो 24 × 12 = 48, 12 × 2 = 24, 24 और 4 कितना होता है? 28 होता है। सही किया ना गुणा भाग, तो 288। देखिए, इतनी देर से क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ा सा दिमाग क्या होता है, हैंग करने लगता है, मोबाइल की तरह दिमाग भी होता है। तो 288 जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 11 और 6 है। ठीक है, तो धारा की गति निकालनी है। तो सिंपल सा भाई, धारा की गति क्या होती है? धारा के अनुकूल माइनस धारा के प्रतिकूल बटे 2 कर देना है। तो धारा के अनुकूल कितना है भाई आपका? 11 है। धारा के प्रतिकूल कितना है? 6 है। बटे क्या कर देना? 2। ये आपकी आती है धारा की गति। तो 11 से 6 गया आपका 5, बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा सर? 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी धारा की गति हो जाएगी। ठीक है सर, ये तो धारा की गति आ गई। अगर क्या निकालना होता, व्यक्ति की गति निकालना होता तो प्लस कर देते, तो आपका उसका आंसर आ जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है सर कि एक गाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करती है तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि गाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय 15 घंटे हैं तो दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता भैया? चाल। दूरी बराबर क्या होता है? कुल दूरी बराबर होता है कुल चाल बटे कुल चाल गुणे क्या होता है? समय होता है। तो एक चीज समझिएगा, 8 से गया है और 15 से वापस आया है। 8 से गया है और 15 से वापस आया है। तो कुल यहाँ पर समय कितना लगा है आपका? 15 लगा है। यानी कि समान दूरी मान लेते हैं हम लोग यक्स है। कितना मान लेते हैं भाई दूरी आपका? यक्स है, या आप मान लेते हैं दूरी यक्स है। तो एक्स है अगर दूरी, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी एक्स है, तो यक्स बटे क्या हो जाएगा? चाल। चाल पहले कितना लगा भाई? पहले 8 से गया है और उतनी ही दूरी कितना? 12 से वापस आया, यानी कि बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और कुल समय कितना लगा भाई? समय, ये भी समय, ये भी कुल समय कितना लगा? 15 लगा है। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 12x × 8x, तो 12 और 8 का एलसीएम चाहो तो निकाल लो। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 12 × 24, 24 हो जाएगा एलसीएम। तो 8 3 24 3x और प्लस 12 × 24 2x बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो 3 2 5x, 5x = 24 × 15 करो, 15 चौका 60, और 15 × 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 72 आ जाएगा। क्लियर है? तो 72 किलोमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक धन राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 4 वर्ष में 18% की दर से 4320 रुपये का ब्याज देती है, तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, एक धनराशि जो है साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 4 वर्ष में 18% की दर से 4320 रुपये देती है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मुझे पता है ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर क्या होता है भाई? सिंपल सा पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। यानी कि अगर हमको मूलधन निकालना होगा, मूलधन निकालना होगा तो क्या करेंगे? ब्याज, ब्याज कितना देता है भाई? 4320 रुपये, यानी कि 4320 हो गया। और जो गुणे क्या कर देंगे भाई, जो नीचे होता है 100 उसको ऊपर भेज देंगे 100, और बटे क्या कर देंगे? मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। दर कितना भाई आपका? 18 है, और समय कितना आपका? 4 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए सर, 18 से कटेगा क्या? 18 × 36, 18 × 36 और 36 और 4 और 3 8 चौका 72 कट गया सर, बहुत आसान है सर। 4 6 24, 60 × 100 कितना हो जाएगा? 6000। दिमाग काम कर रहा है अभी भी? समझ में आ रहा है ना सर? 6000। ऐसे ही आपका दिमाग जो है आपका पेपर में भी काम करना चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भैया ध्यान से देखना,
87, ये आपका क्या बेसिकली क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ वर्ष दिए गए हैं उनके राजस्व यानी कि उनके खर्चे दिए गए हैं करोड़ में। तो यहाँ पर सिंपल सा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्ष 2010 से लेकर के 2014 तक राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। 2010 में कितना था, 50 था, ठीक है, और 2014 में कितना हो गया, 112.5 हो गया है। तो कितना परसेंटेज निकालना, तो पहले देखो कितना कितना बड़ा है, 50 से 112 यानी कि 62.5 जो है आपका बढ़ गया है, और बढ़ा किससे, 50 से बढ़ा है, तो बटे क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे, ठीक है सर। तो 50 दूना क्या हो गया, 100, तो 62.5 गुणे 2 करते हैं तो कितना आता है, 125%। तो कितना परिवर्तन हुआ सर आपका, 125% का परिवर्तन हुआ है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वर्ष 2011 से लेकर 2015 तक, तो 11 में कितना था, 75 था, 15 में कितना था, 87.5 था, यानी कि कितनी वृद्धि हुई है सर आपकी, तो 75 से 87.5 यानी कि 12.5 की तो वृद्धि हुई है, 75 10 75 10 85 2 2.5 87.5 यानी कि 12.5 की वृद्धि हुई है, और वृद्धि किस पे हुई है, 75 पे हुई है, तो बटे 75 कर देंगे, गुणे कितना कर देंगे हम लोग, परसेंटेज निकालना तो गुणे 100 कर देंगे, हल करो सर, 25 या 75 25 चौका 100, 125 गुणे 4 करो कितना आ जाएगा सर, 125 गुणे 4 होता है 1000, 125 250 होता है, यानी कि 50/3 आ जाएगा। 50 क्यों किया सर, 50 इसलिए किया क्योंकि एक ठो यहाँ पर दशमलव लगा था, ठीक है, शायद हमने सही किया है, और 50/3 करेंगे तो 3 6 8 यानी कि 16.67, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सभी को। चलिए आई होप क्लियर तो हो ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2014 से लेकर के 2014 तक औसत राजस्व क्या है, तो औसत निकालना, तो इनको औसत मतलब सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, बटे 1 2 3 4 5 कर दो, ठीक है, बस यही करना है आपको। तो यहाँ पर औसत कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, इसको जोड़ते हैं, अब 75 और इन सबको जोड़ते हैं, चलिए ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली जोड़ के बता देता हूँ, 75 50 100 यानी कि 100 और 50 150 हो जाएगा, इनको पहले जोड़ लो, 5 5 10 यानी कि यहाँ पर एक बढ़ गया, तो 2 2 4 1 5 और 8 1 9 1 10 और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, सही जोड़ा है ना सर, 205 हो गया और 2 2 4 1 5 हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 100 50 150 150 जोड़ लो, और प्लस क्या जोड़ लो, 75 जोड़ लो, इनको जोड़ लो, 5 5 10 7 5 12 1 13, ठीक है, और यहाँ पर 2 1 3 430 आ रहा है, देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुई सर, यहाँ पर 7 5 12 5 5 10 430 ही तो होगा ना, एक बार फिर से देख लो सर कहीं गलती तो नहीं हो रही है, यहाँ पर मैंने जोड़ा था 5 5 10 2 2 4 1 5 आ गया था, और 8 1 9 आ गया था, 8 1 9 आया था, ठीक है, और यहाँ पर 195 हो गया, ये गलती हुई है, देखिए कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है, 195 हो जाएगा यानी कि 420 आपका आंसर आएगा, तो 420 और बटे कितना कर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 बटे 5 कर दीजिए, तो बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 6 30 5 7 35 5 8 40 और 5 4 20, तो 84 जो है इसका औसत आ गया, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कितने वर्षों में राजस्व वर्ष 2013 से अधिक है, कितने वर्षों में जो राजस्व है, देखिए उसी का क्वेश्चन था, 2013 से अधिक है, तो 2013 में कितना है सर आपका, 82.5 है, तो एक आपका ये अधिक है, एक आपका ये अधिक है, और एक आपका ये अधिक है, एक आपका ये अधिक है, यानी कि 1 2 3 4 वर्षों में आपका 2013 से राजस्व जो है अधिक है, तो यहाँ पर 4 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक राशि 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, 2% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 56 रुपये अधिक मिलते, तो धन राशि ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग लगाना चाहो आराम से तो लगा सकते हो, देखो कैसे लगाओगे, मुझे पता है कि 2% के हिसाब से ब्याज जो है कितना रुपया मिल रहा है, 56 रुपया अधिक मिलता अगर 2% हम लोग अधिक लगाते, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, कि ब्याज को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कितना ब्याज मान लेते हैं हम लोग, कितना 56 मान लेते हैं, और परसेंटेज जो दर मान लेते हैं, दर कितना मान लेते हैं हम लोग, 2% मान लेते हैं, और समय आपका दिया गया है कितना, समय आपका दिया गया है 4 वर्ष दिया है, क्योंकि भाई साधारण ब्याज क्या होता है कि अगले 2 साल पे मतलब चक्रवृद्धि की तरह बढ़ता नहीं है, तो हम लोग 2 के हिसाब से मान लगा 2% के हिसाब से लगा लेते हैं कि, तो ब्याज आपका 56, तो यहाँ से मूलधन निकाल सकते हो, तो यहाँ से मूलधन अगर हम लोग निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगा दो, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, बस 2 चौका 8 7 56 7 गुणे 100 कर दो, कितना आ गया आपका, 700 आ गया,
700 रुपीज़ आ गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। औसत का क्वेश्चन शायद है कि 35 व्यक्तियों के समूह का औसत जो है इतना दिया गया है, 36, यदि समूह में 36वां व्यक्ति शामिल हो जाता है तो औसत इतना बढ़ जाता है, तो 36वें व्यक्ति का भार निकालना है। तो एक बात बताओ, 47.5 उसका क्या था, कुल औसत था, ठीक है, तो भार निकालना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो 36वें व्यक्ति का जो वजन निकालना होगा कैसे निकलेगा, तो 47.5 किलोग्राम में जो हमारी कुल वृद्धि हुई है, 47.5 में जो हमारी क्या हुई है, कुल वृद्धि हुई। समझिएगा, मैं थोड़ा लॉजिक लगा रहा हूँ यहाँ पर। क्या लॉजिक लगा रहा हूँ कि 35 व्यक्तियों का जो औसत था कितना था भाई, 47.5 था। यदि 36वां व्यक्ति शामिल किया जाता है तो औसत जो है 1.5 किलोग्राम जो है आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कुल वृद्धि कितनी हुई है, मुझे पता है कि 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, लेकिन 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है तो एक चीज़ समझिएगा, जो 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है ये 36 व्यक्तियों के हिसाब से, यानी कि हर 36 व्यक्ति में उतना बढ़ा होगा ना, तो 47.5 + 36 × 1/2। अब ये 36 × 1/2 क्योंकि एक चीज़, ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना कि हर 36 व्यक्ति का आधा आधा किलोग्राम जो भार है बढ़ा हुआ है, तो यानी कि 47.5 + 18 तो ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 65.5 kg आ जाएगा। ये तो मैंने दूसरे लॉजिक से लगाया है, आई नो कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लॉजिक जो है समझ में नहीं आता है, बट ये तो आपका एक लॉजिकल वे हो गया, 65.5 आ गया। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा मैंने ऐसा कैसे किया है, बट अभी मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि भाई जैसे 35 व्यक्तियों का जो भार था, 35 × 47 क्या था आपका, 5 था, ठीक है। अब जो ये 36 व्यक्ति जो आ जाते हैं तो 36 व्यक्तियों का भार कितना हो जाता है आपका, 48 हो जाता है। अब इनका गुणा जो होएगा, इनका जो गुणा आएगा, इनका गुणा करके आप लोग घटा दोगे तो आपका जो आंसर है आपका तब भी आ जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा गुणा करना पड़ता है, इसलिए हमने इस गुणे को बचाने के लिए मैंने आपको वो तरीका बता दिया था। जैसे 35 गुणे आपका 47.5, आपको लग ही रहा ना कितना बड़ा गुणा है, तो इनको गुणा करने पर लगभग लगभग आपका 166, 1662.5 आता। और अगर हम लोग 36 × 48 करते, अगर हम लोग 36 × 48 करते तो 1728 आता, क्या था, 1728 आता। अगर इसमें से हम लोग यही घटा देते कितना, 1662.5 को घटा देते, एक मिनट रुकिएगा, चलिए 1728 में से क्या घटाना है, 1662 क्या घटाना है, 5 घटाना है, तो आपका इनको घटा करके आप लोग देख लीजिएगा 65.5 आता। तो आपका एक तो बेसिक तरीका था, बट बेसिक तरीका में आपको थोड़ा सा गुणा करना पड़ता है, उसी गुणा से बचने के लिए मैंने आपको वो तरीका बताया था, बट कोई नहीं, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ए और बी की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है, बी और सी की 17 वर्ष। देखो मैं कभी कोई फॉर्मूले के बेस पर नहीं जाता हूँ, थोड़ा लॉजिक के बेस पर चला करो, मैथमेटिक्स रीजनिंग सिर्फ लॉजिक के ऊपर चलते हैं, आपके जो आपके हाई स्कूल लेवल के और इंटर लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ लॉजिक के ऊपर चलते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग मत किया करो। ए और बी की औसत आयु जो है 18 वर्ष है, बी और सी की जो है 17 वर्ष है, सी और ए की जो है 20 वर्ष है, तो बी की आयु बतानी है। अब मुझे पता है ए और बी की कितनी औसत आयु है भाई, 18, यानी कि दो लोगों की औसत आयु 18 है, यानी कि ए और बी को अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 × 36 आ जाएगा, दोनों मिलके 36 होंगे ना। इसी तरह बी और सी कितना, बी और सी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 17 × 34, और ए की जो है आयु, ए की, सी और ए की कितनी है, 20 है, यानी कि सी प्लस ए कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 20 × 40 आ जाएगा, ठीक है सर, सब कुछ आ गया ना, इन सबको जोड़ो, देखो ए ए बी बी सी सी दो दो बार है ना, इनको जोड़ेंगे तो 2 ए + b + c कितना आ जाएगा आपका, 40 36, इनको जोड़ो तो 6 4 10, 3 3 6 4 10, 11 110, यानी कि a + b + c की वैल्यू सिंपल सी आ गई आपकी कितनी, 55 आ गई। हमसे b के बारे में पूछा गया ना, b के बारे में पूछा गया, तो b को छोड़ो, a और c को कितना दिया गया, a और c कितना है आपका, 40 है, तो 40 प्लस क्या हो जाएगा, b बराबर कितना आ गया, 55। तो b की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 40 55 में से 40 घटा दो, कितना आ जाएगा सर आपका, 15 वर्ष आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 94वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्तिक को 2017 में 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति और 2018 में 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है आप सभी को, समझ में आ गया ना। तो भाई 5,000 से कितना बढ़ा, 8,000 बढ़ा, यानी कि टोटल कितनी वृद्धि हुई है, 3,000 की वृद्धि हुई है, और वृद्धि हमेशा पहले वाले पे होती है, तो पहले कितनी थी, 5,000 थी, तो पहले 5,000 पे वृद्धि हुई तो बटे 5,000 कर देंगे, और प्रतिशत निकालना तो गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिए 3 0 3 0 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 × 10, तो 20 की आई कितना हो जाएगा आपका, 60% आ गया। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
ऋतु का वेतन 10% बढ़ा और फिर 5% बढ़ा। यदि वर्तमान वेतन 9,240 रुपये था तो उसका पिछला वेतन क्या था? तो पिछला वेतन मान लो यक्स था, तो यक्स पे 10 बढ़ा यानी कि 110 बटे क्या हो गया 100। भाई बढ़ रहा है तो 100 में 10 जोड़ देंगे, फिर से 5 बढ़ा तो 100 में 5 जोड़ो तो 105 बटे 100। ये सब किसके बराबर आ रहा है भाई? 9,240 के बराबर आ रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लेना। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, 1 0 आपका, देखिए 1 0 1 0 कट गया आपका, और यहाँ पर देखिए 20 5 100 यानी कि 5 से काटोगे और 5 से काटोगे 21 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 से शायद ये कट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कटने वाला वैल्यू तो शायद आ सकता है, मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए। काट के देखिए 11 11 11 और 9,240 को काटना है ना, 9,240 को अगर हम काटेंगे 11 से, चलिए 11 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा पहले तो आपका, पहले किससे किससे जाएगा, 8 बार जाएगा तो 11 8 88, फिर 11 चौका 44, 11 0 ये कट गया ना, फिर 21 से काटिए, 21 चौका 84 तो 40 आ गया ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 20 × 10 यानी कि 200 यहाँ पर बच जाएगा, तो 40 × 200 कितना हो जाएगा, 8,000 आ जाएगा, ठीक है सर। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ा बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर 95 का जो करेक्ट आंसर कैसे आया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक पाठ्य पुस्तक पर 15% छूट मिलने पर अभिनव 75 रुपये बचाता है, तो पुस्तक पर कितना है? देखो 15% की छूट पर 75 रुपये बचाए, यानी कि मुझे पता चल गया कि 15% जो है आपका 75 रुपये के आपके क्या है, बराबर है। सिंपल सा फंडा है, जो 15% है किसके बराबर है, तभी तो भाई वो 75 के बराबर है। तो उसने उस पुस्तक पर कितना व्यय किया, यानी कि उस पुस्तक पर कितना व्यय किया होगा, 100% तो ही व्यय करेगा ना। तो पहले 100% निकालो, 100% तो व्यय नहीं करेगा, 85% देखा जाए तो व्यय करेगा। तो 85% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 75 बटे पहले क्या करेंगे हम लोग, 15 करेंगे, गुणे कितना कर देंगे हम लोग, 85 कर देंगे। इसी को सॉल्व करो, 15 5 75 5 25 5 8 40 और 40 और 2 कितना हो गया, 42 हो गया, तो 425 रुपये यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। अब ये मैंने लॉजिक से लगाया है, मैथमेटिक ही लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो ये सब चीज़ें आप लोग और आसानी, देखो मैंने अभी आपको ये बताया ना, इससे भी आसान तरीका होता है इस क्वेश्चन को लगाने का, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, और सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो मुझे पता है भाई, सिंपल सा मुझे पता है कि चाहो तो आप ऐसे लगा, देखो कैसे लगाना है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और उसी काम को कितने में कर रहे हैं भाई आपके, 20 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा, 20 और 15 इनका एलसीएम, तो 20 × 40 = 60, 60 एलसीएम आ जाएगा ना, क्योंकि 60 से सब कट जा रहा है। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना आएगा बताइए, ए और बी का एक दिन का काम 12 5 60, बी और सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, बी और सी का निकालेंगे तो 15 चौका 60। इसी तरह सी और ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा सर, सी और ए का 20 × 60 आ गया। इन सबको जोड़ डालो तो 2 a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 5 4 3 5 4 9 3 12 आ जाएगा, यानी कि a + b + c का एक दिन का काम कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, तो ए को छोड़ देना है और बी और सी को ले लेना, तो बी और सी की वैल्यू कितनी दी गई, 4 दी गई है। तो मुझे पता है a + b + c का मान कितना रख दिया हमने, 4 रख दिया, बराबर कितना आपका यहाँ पर 6 दिया गया, बराबर कितना आ गया 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 4 हटा दो 2 आ गई, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, 60 बटे 2 कर दो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, 30 आ गया। इसी तरह बी को निकालना होता तो हम लोग सी और ए को घटा देते, ए को निकालना होता तो सॉरी सी को निकालना होता तो हम लोग क्या निकाल देते, बी और सी को घटा देते, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यदि उनके बीच की दूरी 28.5 किलोमीटर हो तो वे कब मिलेंगे? तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय, और यहाँ पर समय पूछा गया तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितना दिया गया, 28.5। अब देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब चाल देखो एक दूसरे की ओर जब चलते हैं, देखो ये भी इधर चल रहा है ये इधर चल रहा है, तो दोनों की चाल देखो सापेक्ष चाल जो हो जाएगी जुड़ जाएगी, यानी कि 4 + 5.5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अगर ये इधर से इधर आ रहा है ये इधर से इधर आ रहा है तो जल्दी तो समय मिलेगा, तो इसलिए चाल जो होगा जुड़ जाएगा। तो जोड़ो कितना जाएगा, 5 4 9.5, तो 9.5 से इसको क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे। इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा सर, देखा जाए तो 9.5 तिहाइयाँ होता है, 95 तिहाइयाँ 285 होता है, तो कितना आ जाएगा सर,
3 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 घंटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 99 कह रहा है कि एक नल, दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। पूरा भरने के बाद टंकी को एक पाइप द्वारा 20 मिनट में खाली किया जा सकता है। जब टंकी खाली थी, सभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, कितनी देर में टंकी भर जाएगी? तो सिंपल सा भाई क्वेश्चन है, मुझे पता है कि 1 मिनट में जो भरा गया टंकी, चाहो 1/2 वाला रूल लगा सकते हो कि दो नल एक टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं भाई, 12 और 15। यानी कि अगर ए है, मान लो एक नल है आपका, बी है, और पूरा भर जाने के बाद टंकी जो है, मान लीजिए जो टंकी है, देखिए दो नल भर रहे हैं और जो टंकी है जो खाली कर रहा है उसको मान लेते हैं सी, टंकी जो है 20 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है सर, ये 12 मिनट में भर रहा है, ये 15 मिनट भर रहा है, और सी जो है माइनस है, ये 20 मिनट में खाली कर रहा है। तो इनका एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा सर? 60 आ जाएगा। 60 तो एलसीएम आएगा ना, यानी कि ए टंकी जो है 1 घंटे में कितना भरे, 1 मिनट में कितना भरेगा सर? 5 भरेगा, 5 भाग भरेगा। इसी तरह बी कितना भरेगा सर आपका? 4 भरेगा। और सी कितना खाली कर देगा सर? 20 3 आपका जो है खाली करेगा, ये माइनस में याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर तीनों को एक साथ खोलते तो 5 4 9 में से 3, ये देखो तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 5 + 4 माइनस क्या होता है? 3। तो 5 4 9 में से 3 गया, कितना आ गया? 6। यानी कि तीनों 1 मिनट में 6 भाग जो है भरेंगे। तो यहाँ पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो 60 बटे क्या कर दो? 6 कर दो, कितना आ जाएगा सर? 10 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीका था, तो 10 मिनट जो है इसका करेक्ट आंसर आपके सामने निकल करके आ गया, ठीक है सर। इसी तरह भाई क्वेश्चन नंबर 100 है। अब 100 वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं बोलते बोलते हो गया हूँ थक, और ये चीज़ मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ कि देखते हैं भाई कितने लोग आखिरी तक इस क्वेश्चन को, इस पूरे वीडियो को देखे हैं, कमेंट से तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना भाई कितने लोग आखिरी तक देखे हो, और प्लीज़ यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है ना उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है और लगातार बोले जा रहा हूँ, लगातार बोले जा रहा हूँ। तो यार प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो से इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।